हेलो फ्रेंड्स, कैसे जा रहा है ये 21 डेज का लॉकडाउन पीरियड? क्या आप भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं आपको सेफ रखने के लिए और आपको ये टाइम अपने फैमिली के साथ देने के लिए, या आप क्रिप कर रहे हैं कि कहाँ फंसा दिया, क्यों मैं घर पे हूँ? सच्ची सच्ची बताइए मुझे। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये 21 डेज का जो पीरियड है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों के सामने वो रोल मॉडल बन सकते हैं जो आपने हमेशा चाहा है। अगर आपको लग समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो एक शॉर्ट स्टोरी से शुरुआत करती हूँ। एक बार पिकॉक डेजर्ट से जा रहा था और उसने एक बर्ड देखा, और ये बर्ड के पास ना फेदर थे, ना उसके पास खाने को कुछ था, और ना पीने के लिए पानी था। बर्ड ने पिकॉक से कहा, आप कहाँ जा रहे हो? पिकॉक ने कहा, मैं लॉर्ड कृष्णा से मिलने जा रहा हूँ। तो बर्ड ने कहा, आप मेरा एक काम करोगे, मेरे लिए एक फेवर करोगे? पिकॉक ने कहा, बोलिए, डेफिनेटली करूँगा। तो उसने कहा, आप प्लीज़ कृष्ण जी से ये पूछिएगा कि मेरी ये सफरिंग कब एंड होगी। तो पिकॉक ने कहा, डेफिनेटली मैं पूछूंगा भगवान से कि आपकी ये सफरिंग कब कम होगी। जैसे ही पिकॉक कृष्ण जी के पास गया, उसने बोला कि मैं एक बर्ड से मिला जो एकदम डेजर्ट में था, ना उसके पास फेदर्स थे, ना उसके पास खाने को कुछ था, ना पीने को कुछ था। तो मुझे बताइए प्रभु कि उसकी ये जो स्थिति है ये कब खत्म होगी। तो लॉर्ड कृष्णा ने सिर्फ एक ही चीज कही, कहा कि इसको 7 साल लग जाएंगे खत्म होते होते। तब पिकॉक ने कहा, ये अगर मैं उसे बताऊंगा तो वो तो टूट सा जाएगा। तो कृष्ण जी ने कहा, उसे ऐसे नहीं बताना है आपको, उसे सिर्फ ये बताना है कि वो सिर्फ पूरे दिन ये बोले, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिकॉक पहुंचा बर्ड के पास, उसने बर्ड को कहा, मुझे कृष्णा ने कहा है कि आप जो भी करते हो, जो भी होता है, उसके बाद आपको यही बोलना है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। 7 दिन के बाद पिकॉक वापस वहां से गया, क्या देखा उसने कि बर्ड के इस पे न्यू फेदर्स आ रहे हैं, वो बहुत खुश है। तो उसको समझ में नहीं आया, उसने सोचा, अरे भगवान ने तो मुझे कहा था कि 7 साल लगेंगे, और अब ये इतनी जल्दी खुश है। तो फिर वो वापस लॉर्ड कृष्णा के पास गया और उसने लॉर्ड कृष्णा को कहा, लॉर्ड कृष्णा, आपने कहा था कि 7 ईयर्स लगेंगे, बट ये तो बहुत खुश है। तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा, पता है ऐसे क्यों हुआ? अगर वो गरम रेत पे भी गिरा तो उसने कहा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अगर उसके पास पानी नहीं था पीने, तब भी उसने भगवान को शुक्रिया किया। तो इसीलिए उसकी जो ये सफरिंग थी, जो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में ख़त्म होने वाली थी, वो 7 दिनों में ख़त्म हो गई। तो क्यों नहीं हम भी भगवान को ग्रैटिट्यूड दें, उनको थैंक बोले ये पीरियड हमको देने के लिए, ताकि हम हमारे बच्चे हमारे फैमिली के साथ अच्छे से गुजार सकें, है ना? इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। तो अब आप मुझे नेक्स्ट चीज़ पूछेंगे, अगर आप ये समझ गए तो क्या करना चाहिए इसके लिए। तो आपको पहले तो अपना डे अच्छे से प्लान कीजिए, थोड़ा स्केड्यूल बिठाइए, उसके बाद अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए किचन एक्टिविटीज़ में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपके घर में डिफरेंट टाइप्स की दाल्स होगी, उसको लीजिए, बच्चों को बताइए कौन सी दाल क्या है, उनको रिकग्नाइज करना सिखाइए, और फिर दाल्स का क्या इम्पॉर्टेंट है वो समझाइए। सॉर्टिंग का गेम खेलिए बच्चों के साथ। फिर वेजिटेबल्स पे आते हैं, वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना, चॉपिंग करना, ये सिखाइए। इनफैक्ट इवन डिफरेंट वेजिटेबल्स को एक्सप्लोर करने दीजिए, अगर लीफी वेजिटेबल्स है तो उसके पत्ते तोड़ के उनको सूंघने दीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो अपने बच्चों को कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारा गुजारा कैसे होगा, और इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए उनको वो डिशेस खिलाने के लिए जो वो नहीं खाते। आप लोग साथ में बैठ के प्लान कीजिए, न्यू न्यू रेसिपीज ढूंढिए जिसमें आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, और आप वो रेसिपीज बनाने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चे भी कुकिंग में इंटरेस्ट ले सके, और एक फैमिली जैसे खाना बनाइए, एंड वो ही खाने को एज अ फैमिली जैसे भगवान को ग्रैटिट्यूड देते हुए खाइए। बिलीव कीजिए बहुत अमेजिंग टाइम होगा। उसके अलावा ये मौका छोड़िए नहीं उनको जंक और हेल्दी का डिफरेंस बताने के लिए। इनफैक्ट उनको इन्वॉल्व कीजिए जंक फूड को एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ बनाने के लिए।
इसके अलावा कुछ फूड्स है जो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, मींस इन अ वीक या 10 डेज में. तो कुछ ऐसे फूड्स जैसे वीट है, मेथी सीड्स है, अजवाइन है, उसके अलावा कोरिएंडर सीड्स है, इसको आप छोटे छोटे पॉट्स में सो कर सकते हो और इसके पीछे उनका साइंस एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे स्प्राउटिंग, मूंग स्प्राउट्स है, चना स्प्राउट्स है, उसको स्प्राउट्स कीजिए और इसमें भी उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको सोक करने दीजिए, उनको उसको टाई करने दीजिए, रोज देखने दीजिए कितना स्प्राउट्स आ रहा है. इससे उनको एक अलग खुशी होगी. रोज हमारे बिजी लाइफ में ये सब एक्सप्लेन करना हम सोचते हैं बट एक बैक सीट ले लेता है. तो ये कुछ एक्टिविटीज के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो दिस इज शिल्पा मित्तल फ्रॉम शिल्प्स न्यूट्री लाइफ एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी एंड गुड 21 डेज लॉकडाउन पीरियड. आप सब घर में रहिए और सेफ रहिए. अगर आपके पास भी ऐसे कुछ आइडियाज़ है तो डेफिनेटली बिलो कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.